आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खारघरमध्ये आयोजित केलेल्या भव्य 1111 फूट तिरंगा पदयात्रेत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा चिटणीस ब्रिजेश पटेल यांनी मंगळवारी केले. यावेळी भाजपचे जिल्हा चिटणीस ब्रिजेश पटेल, खारघर मंडळ अध्यक्ष प्रवीण पाटील, युवा मोर्चा खारघर शहर अध्यक्ष नितेश पाटील यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. अपने देश के 78वें स्वतंत्रता दिन के अवसर पर रायगढ़ जिले में सबसे पहली बार खारघर को चुना गया है. खारघर में एक भव्य तिरंगा पदयात्रा का नियोजन किया गया है. भारत देश को आजाद करने के पीछे हमारे बहुत सारे क्रांति वीरों ने अपना बलिदान दिया है. हमारे बहुत लोगों ने लड़त में भाग लेते हुए अपना बलिदान दिया हुआ है. वो अपने आने वाली पीढ़ी को पता चले और देश के प्रति हमें स्वाभिमान बढ़े. भारत देश मेरा देश है, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, वो स्वाभिमान जगाने के लिए खारघर में सबसे पहली बार 1111 फुट का एक लंबा तिरंगा झंडा जो हमारे माथे पे लेके गर्व महसूस करने के लिए खारघर में आयोजन किया गया है. ये नियोजन की विशेषता ये है कि रामसेठ ठाकुर स्कूल सुबह 10 बजे हम एकत्रित होना है. वहाँ से हम डेली बाजार से लेके हम लोग सिल्क चौक से सेक्टर 12 खारघर के राजा नवरंग चौक ऐसा करके हमें उत्सव चौक तक पूर्णाहुति करनी है. भारत देश एक अखंडित देश है. आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश एक महागुरु बनने जा रहा है. तो हमारे देश के प्रति हमें स्वाभिमान बढ़े, इसलिए ये यात्रा में मेरे पनवेल विधानसभा के सभी नागरिकों को जुड़ के ये यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग आपको अपील कर रहे हैं. यात्रा में आप अपने बच्चे को लेके, अपने परिवार लेके आप जुड़े और ये यात्रा को आप सफल बनाएं. भारत देश मेरा देश है, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना सपोर्ट होना चाहिए. उस एक मैसेज देने के लिए हमको ये यात्रा में शामिल होना है. इसके लिए हमारे सभी लोग, ये टीम पूरी मेहनत कर रही है और ये यात्रा को सफल करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है.